ये होटल मालिक है और ये रात चौकीदार था, इन्होंने रात हमारे फोन उठवा दिया, यहाँ चोरी हो गई गाड़ियों में। इधर फोन चोरी हुआ और 500 रुपए कटे हैं जेबा में। हम लोग होटल पे खाना खाने तो होटल में कुछ मिला था, हमको सबको नींद आने, रात को पता नहीं इन्होंने क्या पदार्थ दिया, सिर्फ अटरा चक्कर लग रहे। अब यहाँ के होना नहीं आ रहा है, नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। खाने में मिलाया कुछ, घट गई घटना, फंस गया ढाबा मालिक, फिर बाद में खेत में मिला खजाना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आखिरी टोल के पास एक ढाबा है। अक्सर करके क्या करते हैं ड्राइवर, ढाबे पर या पेट्रोल पंप पर रात के समय गुजरते हुए उसका सहारा ले लेते हैं, यानी कि वहां आराम कर लेते हैं, खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी ड्राइवरों ने सोचा कि चलिए खा पी के यहाँ सो जाएंगे आराम से, रात कट जाएगी, सुबह निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली सुबह उनके लिए कुछ ऐसी खबर लाएगी कि वो सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम यहाँ सोए ही क्यों, यहाँ आए ही क्यों। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ ड्राइवरों के साथ, एक नहीं दो नहीं लगभग 4-5 ड्राइवरों के साथ ये घटना घटी है, जिनके साथ लूटपाट मचाई गई है। क्या कैसे हुआ जरा सुनिए उन ड्राइवरों की ही जुबानी, फिर बढ़ते हैं आगे। ये होटल मालिक है और ये रात चौकीदार था, और ये बालाजी राजस्थानी फैमिली रेस्टोरेंट, इन्होंने रात हमारे फोन उठवा दिया, यहाँ चोरी हो गई गाड़ियों में। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस होटल पे मत डटे और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ढाबे साहब को बोला, इनका मोबाइल देखा, मतलब हम बोला सर मेरे मोबाइल पे मार दिया, ये बोलते हैं कि नंबर बताओ, नंबर बताया तो मेरा मोबाइल सुई जा, तब ये बोलते मेरा बैग, हम बैग का ध्यान दे रहा हूँ, बैग भी गायब, जो आप बता रहे खाना खाने वहाँ भी कुछ मिला था, यहाँ कुछ मिला होगा। हम लोग होटल पे खाना खाने तो होटल में कुछ मिला था, हमको सबको नींद आने लगी, अरे मेरे को तुरंत सर दर्द, गाड़ी पता भी नहीं चल रहा है, एक रोटी खाने पे तुरंत सो गया। अच्छा, 700 तो आपको आपको लगता है कि इन होटलों में कुछ मिलावट है ताकि बंदे को नींद आ जाए। इस होटल का नाम है बालाजी राजस्थानी फैमिली रेस्टोरेंट, इनको भी नींद आने लग गया और नींद आने लगा। हम लोग गाड़ी स्टॉप किए और यहाँ के बंदा क्या बोलता, मतलब अपने आप गाड़ी में सो जाओ, गाड़ी में बाद में इनकी सबकी चोरी हो गई। पचास में ले लो, हमको सोने दो, बोलता है गाड़ी में सो, बाहर नहीं सोने का जवाबदारी, बाहर बैठ के घूमने का नहीं, घूमने का नहीं, हम तो घूमने निकले तो घूमेंगे ना, हमारी गाड़ी 10 मोबाइल है हमारे पास, वो मोबाइल हम तो करेंगे। वो शायद इसलिए बोल रहा होगा कि अगर यहाँ मान लो नशे में और कोई एक्सीडेंट होगा तो अब इसका सर दर्द बढ़ जाएगा ना। नहीं नहीं सर, इधर नहीं, हम लोग इधर से गाड़ी हमारी इधर नहीं सर, ये जो गाड़ी लगी है सेम यहाँ पे, ये गाड़ी के पास बेड लगा था, बेड चरपाई उस पे बैठे थे, उस पे बैठने नहीं दिया हम लोग को, यहाँ पे हम लोग बैठने भी नहीं दिया, चरपाई रख दी। ये बोल रहा सर ये चौकीदार था, मैं रात को कहाँ घूम रहा था भाई, तू बोले मेरा काम नहीं है गाड़ी की रुखाड़ी करना, मैं तो अपने होटल की कर रहा हूँ, और रात को पता नहीं इन्होंने क्या पदार्थ दिया। फौजी साहब आपकी आँख खुली नहीं? खुली, हमारे भी अभी सिर में यहाँ से सिर फट रहा, चक्कर लग रहे पूरा। ये खाने में सर मिला के कुछ देते सबको खाने के लिए? ये भैया ये यहाँ से मालिक भोग मार के आए, यहाँ बैठे हुए थे, ये बोले इन पे इल्जाम लगा दिया, इनकी गाड़ी चेक करो, हमारा काम नहीं है चेक करने का, हम क्यों चेक करें। अच्छा ठीक, जब इनके पास खुद के पास 1-1 लाख रुपए के फोन है। ये बात तो, ये ओनर ओनर है यहाँ पे, ओनर है मालिक है भाई साहब। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर इन सबका मोबाइल, काफी लोगों को चोरी हुआ, बैग चोरी हुए हैं, पहली बार चोरी हुई है, पहली बार ऐसी वारदात हुई है? नहीं, हमारे पास तो खबर, हम भी पहली बार ही ट्रेवल कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इन सबकी एक शिकायत है कि यहाँ पे कुछ खाने में ऐसा मिला था जिससे इनको नींद आ रही थी, ये सर ओनर है, किसी और को दिया है
खाना यहाँ रखा है, आप टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, पैसे दिया मेरे को, मेरा खुद थोड़ी जेब काट के लेगा, इसके तो जेब काट के लेगा, जेब काट के लेगा। ये कैसे हो रहा है, ये चोरी खुद करवाते हैं? अच्छा देखिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं नहीं मैं यहाँ 50 लोग इकट्ठे करवा, नहीं नहीं सुनो, कर ले इकट्ठे। अरे नहीं सुनो, फालतू मेरे समाज कट जाए, अभी 10 मिनट लगे मेरे, आप मान लीजिए, आप यहाँ के मान लीजिए तोड़ मेरे को, आप नहीं बोल रहे हैं चौकीदार से, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, किसी भी किसी की ताकत नहीं, क्या ताला एक कमरे का भी चलो, मैं आपको बात हो रही है भाई साहब, मेरी बात सुनो, अगर आपका कोई नहीं है जिम्मेदारी कोई नहीं है, कभी नहीं हुई, आऊंगा मैं आपको, मेरे यहाँ गाड़ी लगी, इसकी गाड़ी ने मेरा मुझे तो होटल सर हमारा छोड़ कर सर मानता हूं तुम्हारी बात, हमारा जाना हो रहा है, मैं छोटे बोल के बंद के बताओ। अच्छा भाई एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक के बाद एक ड्राइवरों की कहानी आपने सुन ली। एक एक ड्राइवर ये कहता हुआ पाया जा रहा है, भाई खाने में कुछ था क्योंकि मुझे ऐसी नींद आई कि ये लोग लड़ रहे थे और मुझे पता भी नहीं। एक ने कहा कि जैसे ही खाना खाया उसके 5 मिनट के बाद मुझे बड़ी गहरी नींद आई। ऐसा क्या था खाने में कि सो गए और कोई ऊपर की जेब काट के चला गया? चलिए इधर उधर कहीं की बात होती तो बात समझ में आती, बिल्कुल ऊपर की जेब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जेब कटी हुई है। आरोप है ड्राइवरों के कि खाने में कुछ ना कुछ जरूर मिलाया गया था। अब ढाबा मालिक तो मुकर रहा था, लेकिन ऐसे में एक खास बात और एक अच्छी बात ड्राइवरों के साथ ये हो गई कि वहाँ उसी समय एक मिलिट्री का शख्स उनके साथ मौजूद था जिनका सामान ट्रक पर जा रहा था। वो उस ट्रक के पीछे पीछे अपनी गाड़ी से आ रहे थे देख रेख करने के लिए। वो भी इस ढाबे पर उस ट्रक ड्राइवर की वजह से रुक गए जिसकी गाड़ी में मिलिट्री का माल था, वो भी यहाँ खाना खा के रुका। जब इन्होंने देखा कि यहाँ ये मसला हुआ है तो इनकी आंखें खुल गई। इनको लगा अच्छा ऐसा कुछ ड्राइवरों के साथ हो रहा है, पहली बार उनकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ था, तो वो भी चुप ना बैठ सके। राजधानी लाया है विदेशी तकनीक मशीन जिससे चुटकियों में खुलेंगे ट्रक व बस के टायर, ना लाइट ना बैटरी की जरूरत, घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9672607081 और ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम लेने पर पाएं 500 रुपए की छूट। उन्होंने ड्राइवरों का साथ देते हुए मोबाइल निकाला और पूछताछ शुरू कर दी ऐसे जैसे रिपोर्टर हो। एक एक बात पूछी गई, उनको भी ये लग चुका था कि कहीं न कहीं ये मिली भगत ही है या कुछ तो गड़बड़ झाला है। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने क्या किया बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट ये जगह क्या है जहां पर ये घटना हुई है। डिस्ट्रिक्ट खारगोन के निमरोली जगह पे ये ढाबा है, यहां पर धोखाधड़ी संबंध ये घटना सामने आई है। मिलिट्री वाले शख्स ने भी यहां पर रेल बना दी ढाबा कर्मी की, ढाबे वाले हालांकि ढाबा मालिक मुकरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर मिलिट्री वाला साथ में था, उसने आगे बढ़ने की बात की, ये कहा कि अभी यहाँ पूरी मिलिट्री आ जाएगी। उसके बाद जैसे कुछ हलचल सी हुई, यही नहीं यहाँ पर मिलिट्री वाले ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस भी बुलवा ली। जी हाँ, अब जब ये बात की गई कि यहाँ मिलिट्री वाले पहुँच जाएंगे तो उसके बाद वहीं पास में जाकर कुछ सामान तो इनका खोया हुआ मिल गया। आप देख सकते हैं फोटो में कुछ कागजात कुछ पर्स रखे हुए हैं, लेकिन हाँ इनमें से नकद और मोबाइल नहीं है। जी हाँ, नकद गायब हो चुका है, मोबाइल गायब हो चुका है। अब पुलिस वालों को बुलाया गया, पुलिस वालों की टीम वहां पर पहुंची। खलतका चावकी बालकवाड़ा थाना से पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने नाम नोट किया, ड्राइवरों को पुलिस थाने में बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत करना चाहते हैं तो थाने आ जाएं। वहां जाने के बाद आर्मी वाले भी वहां पहुंचे और उन्होंने घटना के बारे में पूछा, इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ ज्यादा वहाँ हुआ नहीं। तो इस मिलिट्री वाले शख्स ने ये भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ये ढाबे वाले की और ये पुलिस वाले की मिली भगत है, क्योंकि कुछ भी एक्शन हो ही नहीं रहा। इस वजह से उन्होंने इस वीडियो को आगे किया, हम तक पहुंचाया कि ये बात सब तक पहुंचे और लोगों की आंखें खुले, थोड़ा वो सतर्क हो जाएं। हमारे पास मामला पहुंचा तो हमने यहाँ पर ढाबा मालिक से फोन पर बात की। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि खाने में कुछ है तो खाने की जांच करवा लें। और हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि यहाँ पर कुछ 2 शख्स और आए थे मोटरसाइकिल से जो खाना खाकर वहीं पर काफी देर टहलते रहे, उन पर इनको शक है। अभी सही कह रहे हैं या बात को घुमा रहे हैं ये तो जांच का विषय है। यही नहीं, ड्राइवरों ने जब गार्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि गार्ड यहाँ से जा चुका है, नौकरी छोड़ चुका है।
लेकिन जो घटना होनी थी वो तो हो गई। ड्राइवर अपना सा हाथ मल के रह गए, एक दूसरे से गर्मा गर्मी करते रह गए। हालांकि कुछ कागजात शोर शराबा करने के बाद मिलिट्री वाले के मिले भी, लेकिन मेन चीज पैसा और मोबाइल तो गायब था। लाख शुक्र कर रहे होंगे ड्राइवर वाले यहाँ पर मिलिट्री वाले का, जिसने साथ दिया और ये मामला थोड़ा तूल पकड़ पाया और आगे बढ़ा। कम से कम कुछ जरूरी कागजात तो इनके मिल गए, क्योंकि जो मिलिट्री वाले गए थे उनके ड्राइवर के भी कागजात चोरी हो गए, जिसका सामान था। अब ये जो आरोप लग रहे हैं इसकी जांच तो बनती ही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। राजधानी लाया है विदेशी तकनीक मशीन, जिससे चुटकियों में खुलेंगे ट्रक व बस के टायर। ना लाइट ना बैटरी की जरूरत, घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9672607081 और ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम लेने पर पाएं 500 रुपए की छूट। अब मशीन निकाल, क्यों खुल लो, मशीन निकाल लो, रॉड उठाओ।